हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये हेयर क्लिप बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये क्लिप ली है। इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 0.9 mm और 0.85 mm का क्रोचेट हुक लिया है, 3 कलर में थ्रेड लिया है, 2 बीड लिए हैं और सिलने के लिए सुई धागा। सबसे पहले हम एक रिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने 0.9 mm का क्रोचेट हुक लिया है, 3 चेन लेंगे, रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। इस रिंग में हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया ले लेनी है। धागे को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में क्रोचेट हुक को डालेंगे। यहाँ पर हमें वाइट थ्रेड को जोड़ना है। वाइट थ्रेड से हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इस धागे को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, 2 डबल क्रोशिया लेनी है हमें इसमें। इसी तरह से हमें सभी स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया ले लेनी है। इस राउंड में हमें 24 डबल क्रोशिया लेनी है। फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 स्टिच स्किप करेंगे। सेकंड में हमें स्लिप स्टिच लेनी है, फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 स्टिच स्किप करेंगे, सेकंड में हमें स्लिप स्टिच लेनी है, ये देखिए इस तरह से। बीच में यहाँ पर गैप बन जाएगा। इसी तरह से हमें 6 टाइम लेना है, ये देखिए मैंने 6 टाइम ले लिया है। 1 चेन लेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे। चेन के गैप में यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया लेंगे, सेम गैप में फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट गैप में बनाएंगे अब हम, पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें सभी 6 गैप में इसी तरह से बना लेना है। सेंटर वाले धागे को हम अच्छे से खींच के टाइट करके नॉट लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बना लिया है। फिर से हम इसको पलटेंगे आगे की साइड। जो स्टिच हमने यहाँ पर गैप बनाते समय छोड़ा था, उसमें हम स्लिप स्टिच लेंगे, 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में, गैप वाले स्टिच में, ये देखिए छोड़ा हुआ स्टिच है ये, इसमें स्लिप स्टिच ले लेंगे। इसी तरह से हमें 5 टाइम लेना है। फिर से हम इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। गैप में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 डबल क्रोशिया लेंगे,
वन सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से सभी गैप में हमें बना लेना है। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट में हमने 6 बार बनाया है, सेकंड में 5 बार। अब इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने धागे को जोड़ा था। नेक्स्ट वाले स्टिच में ये देखिए इसमें हमें स्लिप स्टिच लेनी है। थ्री चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर हम ये देखिए स्लिप स्टिच ले लेंगे। थ्री चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेनी है। इसी तरह से हमें 4 टाइम लेना है। ये देखिए 4 टाइम ले लिया है। इस तरह से घुमा लेंगे इसको। गैप में हमें पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे। सेम पैटर्न है। सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से सभी स्टिच में बना लेना है, सभी गैप में। ये देखिए इस तरह से सेम गैप में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे और धागे को कट कर देंगे। इस धागे को कटे हुए को नीचे की साइड में ले जाकर अच्छे से लॉक कर इसको एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हम कैप पर लगाने के लिए ये बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमें नोज बनानी है, वो रेड कलर से बना लेनी है। इसके लिए मैंने 0.85 mm का क्रोचेट हुक लिया है। आप सेम हुक से भी बना सकते हैं। पहले रिंग बना लेंगे। 1 चेन लेंगे। रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशिया लेनी है। धागे को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे। वन चेन लेंगे। सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें सभी स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस राउंड में हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच ले लेंगे। धागे को कट कर देंगे यहाँ से। सेंटर में से सेंटर वाले धागे को निडल डाल के अंदर की साइड में इस तरह से कर लेंगे। धागे को खींचकर अच्छे से रिंग को बंद कर देंगे। हुक डालकर इस तरह से शेप देंगे। इसी तरह से हमें नोज भी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बन जाएगी। अब हम कैप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक फेस में क्लिप पर लगाने के लिए एक इस साइड से बनाइए और एक में हमें दूसरी साइड से बुनना होगा। इसके लिए मैं इस वाले को बैक साइड से बनाऊंगी। सबसे पहले नॉट लगा लेंगे।
वन स्टिच छोड़ते हुए ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ पर इस धागे को लगाना है, जोड़ना है। थ्री चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें थ्री स्टिच में डबल क्रोशिया लेनी है। थ्री स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, टू स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेंगे, इसको घुमा लेंगे पैटर्न को, थ्री स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, टू स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, टू स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, वन स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, वन स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए इस तरह से वन चेन लेंगे। फिर से हम इस पैटर्न को घुमाएंगे, सिक्स स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया ले लेनी है, थ्री स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, चेन बनाएंगे, फोर चेन लेनी है। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड में सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, वन चेन लेकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से, ये नोज बना ली है मैंने। इसके अंदर इस तरह से ग्लू लगाएंगे, एक धागे को इसी के अंदर फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर अच्छे से ग्लू को लगा लेंगे, अच्छे से लगा लेना है इसको। यहाँ पर इसको चिपका देना है, इस धागे को हम बैक साइड में ले जाकर अच्छे से फिक्स कर देंगे, अच्छे से नॉट लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर दोनों बीड्स को लगाएंगे। आपके पास अगर आईज हो स्मॉल साइज की तो वो भी लगा सकते हैं। बराबर दूरी पर लगा लेना है इनको। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। अब हम इसके अंदर ये देखिए ग्लू लगाएंगे, इसके अंदर अच्छे से ग्लू लगा लेना है कैप के कोने को। इसके अंदर
डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा फेस रेडी है। यहाँ पर हम हॉट ग्लू लगा लेंगे इस तरह से, उसके ऊपर हम इसको लगा लेंगे इस तरह से। हमारी क्लिप तैयार है। आप किसी भी कार्ड पर ये देखिए इस तरह से बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप अभी से बनाकर रखिए, क्रिसमस पर अपने बच्चों को या अपने करीबी रिश्तेदार को दे सकते हैं।